नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज फिर से नए टॉपिक पे एक वीडियो लेके आया हूँ। मेरा नाम किशोर ठाकुर, कच्छ गुजरात से। फ्रेंड्स आज हमारे पास 32 इंच का वीयू कंपनी का एलसीडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि उसमें बैकलाइट प्रॉब्लम है, बैकलाइट नहीं जल रही है। हालांकि इसमें डिस्प्ले आ रहा है, पावर सप्लाई ओके, सभी ओके है, लेकिन बैकलाइट नहीं हो रहा है, CFL नहीं जल रहा है, डिस्प्ले बिल्कुल सही तरह से आ रहा है। तो देखते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स कि हमारा पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है या तो इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम है। तो वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी नॉलेजबल होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये एक 32 इंच का वीयू कंपनी का ये LCD टीवी हमारे पास आया हुआ है, जो कि ये इसका मॉडल नंबर है LC32P69। अभी इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे स्नो बिल्कुल परफेक्ट तरीके आ रहा है, आप देख सकते हो, लेकिन हमारा बैकलाइट इसमें CFL नहीं जल रहा है। अगर गौर से आप देखोगे तो यहाँ पे स्नो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो, पूरे डिस्प्ले में हमारा बिल्कुल स्नो परफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हो। वीडियो में कम्प्लीट ही ये दिख रहे, जैसे CRT टीवी में आता है, सोनी टीवी में आता है, उसी तरह इसमें ये स्नो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ रहा है। और ये इसका मतलब स्टैंड बाई लाइट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हो। इसको मैं बंद कर रहा हूँ और ये लाइट हो चुका, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो ये बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। तो चलिए खोल के देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें फ्रेंड्स कि हमारा इसमें कहाँ पे दिक्कत है फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमने LED TV खोल के रख दिया है, काफ़ी पुराना LCD है। ये इसका मदरबोर्ड है और ये इसका पावर सप्लाई और ये इसका इन्वर्टर बोर्ड, जो कि LG कंपनी की जो LCD TV होती है उसमें ये यूज होता है। तो इसकी पहले हम लोग सप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी यहाँ पे लिखा है, ये इसका फ्यूज़ है, 24 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई हमको मिलती है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। मीटर को थोड़ा हम नज़दीक लाते हैं, ये 24 वोल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। और फिर ये स्टेटस है एरर, इसमें 1.5 बिल्कुल सही आ रहा है, और यहाँ पे 3.3 ये भी सही आ रहा है, और यहाँ पे BL ON है जो कि ऑन ऑफ, ये 5 वोल्ट बिल्कुल इस पर भी सही आ रहा है, फिर भी हमारा इसमें CFL नहीं जल रहा है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि हमारा BL ON इस IC को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हमारा इन्वर्टर ख़राब है, इसमें CFL तो चेक नहीं होता है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि इस IC को हमारा ये जो ऑन ऑफ सिग्नल है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वीडियो में बने रहना आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें इसका इन्वर्टर बोर्ड ख़राब था, तो हमने इसकी CFL सभी निकाल ली है,
क्योंकि इसका जो ये इन्वर्टर बोर्ड है ये ख़राब है। तो कस्टमर को हमने बोला कि भाई इसमें आपको एलसीडी में से एलईडी बना देंगे। तो कस्टमर बोला कि भाई चलेगा। तो हमने इसमें तीन स्ट्रिप है, जो यहाँ पे तीन स्ट्रिप लगा दिए है हमने, तीन वोट का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलईडी का इसमें तीन स्ट्रिप हमने इसमें लगा दिया है। और देखते हैं इसमें हमारा कितनी लाइटिंग कितनी आ रही है, कॉन्ट्रास्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना एक और स्ट्रिप इसमें डालना पड़ेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आप भी आपके पास कभी भी ऐसा सिचुएशन में अगर एलसीडी आए तो अभी इस तरह से सीएफएल निकाल के आप एलईडी ड्राइवर और एलईडी स्ट्रिप डाल सकते हो फ्रेंड्स। तो वीडियो को बने में रहना, इसकी पूरी वायरिंग में आपको डिटेल्स बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो हमने पूरा सीरीज कर दिया है और दो वायर माइनस प्लस को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हो पूरा इसमें फिटिंग हो चुका है। अभी इसमें बैकलाइट ड्राइवर यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से 12 वोल्ट लेंगे। और बी एल ऑन तो यहाँ पे है ही हमारा। ये वाला जो है ऑन ऑफ सिग्नल है, ये वाला यहाँ से 1, 2, 3 नंबर, यानी कि रेड कलर का ये ऑन ऑफ सिग्नल है। तो ऑन ऑफ सिग्नल को हम यहाँ से ही ले लेंगे और ग्राउंड भी हमारा यहाँ से ले लेंगे। और 12 वोल्ट जो है यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे 12 वोल्ट ग्राउंड दोनों यहाँ है। तो यहाँ से हम लोग 12 वोल्ट ग्राउंड ले लेंगे। तो इसकी वायरिंग करके मैं फिर आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इन्वर्टर को बिठा दिया है और माइनस प्लस को हमने यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये VCC, ये सब भी VCC का पॉइंट है, हमने एक में VCC दे दिए है। यहाँ से 12 वोल्ट ले लिए। और ये वाला ग्राउंड है दोनों, और ये PL ऑन का सिग्नल हमने दे दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन ऑफ, ये वाला ऑन ऑफ जो कि हमने इसी में से लिया है। तो देख सकते हो ऑन ऑफ का इसमें ये वाला तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ आया ऑन ऑफ का, जो कि रेड कलर था हमने यहाँ पे ऑन ऑफ में लगा दिया है। वायरिंग बिल्कुल आसान है और ये सभी वायरिंग हो चुका है और अभी इसको हम लोग चालू करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारा बैग लाइट बिल्कुल तरीके से सही तरह से जल चुका है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स परफेक्ट तरीके से ये बैग लाइट ड्राइवर और हमारा स्ट्रिप जल चुका है। अभी देखेंगे कि पिक्चर हमारा किस तरह से आता है, अगर थोड़ा लो है तो कुछ करना पड़ेगा, एक और स्ट्रिप को डालना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें अभी लो नहीं होएगा। तो देखते हैं पिक्चर कैसा आता है फ्रेंड्स।